डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा, दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे बांग्लादेश। देश में कोरोना का कहर जारी, 5 महीने बाद एक दिन में आए 50,000 से ज्यादा मरीज। राजस्थान के पर्यटन विभाग में होगी 32 पदों पर सीधी भर्ती, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी भर्तियों को मंजूरी। और बाबा श्याम के रंगों में रंगी नजर आ रही खाटू नगरी, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद पहली विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। बांग्लादेश दौरे के दौरान वे बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भी बैठक करेंगे। आरएसएस को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब संघ परिवार नहीं कहेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मेरा मानना है कि आरएसएस व संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्त्री की भावना होती है जो आरएसएस में नहीं है। अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू हो गई है। बीते 24 घंटे में देश में 53,000 से अधिक कोरोना वायरस के नए केस दर्ज हुए हैं। करीब 5 महीने के बाद भारत में 50,000 कोरोना केस का आंकड़ा पार हुआ है, जो डराने वाला है। पिछले 24 घंटे में देश में 53,476 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 251 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल केस की संख्या 1,17,87,534 पहुँच गई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 3,95,192 हो गई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के कारण 1,60,692 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। 26 मार्च को देशव्यापी बंद की तैयारी किसान संगठनों ने कर ली है। इस बंद में किसानों को व्यापारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों और ट्रक यूनियनों, बस यूनियनों और रेलवे यूनियनों का भी समर्थन मिलेगा। किसान नेताओं ने स्थानीय लोगों से बंद के दौरान होने वाली परेशानी के लिए माफी मांगते हुए सहयोग करने की अपील भी की है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि 26 मार्च को भारत बंद पूरी तरह सफल होगा। अब एक खबर राहत भरी। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारों को राहत दी है। सीएम ने पर्यटन अधिकारी के 13 एवं सहायक पर्यटक अधिकारी के 19 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ये भर्ती होंगी। गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती के संबंध में पर्यटन विभाग की ओर से वर्ष 2015 में तत्कालीन राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी गई थी। इस भर्ती के लिए पहले विभागीय स्तर पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया से भर्ती पूर्ण करने के लिए रिक्तियों की सूची प्रेषित कर दी गई थी, लेकिन अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती होने के कारण लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया में से साक्षात्कार को हटाकर केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से ही सीधी भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने होली और शबे बारात के पर्वों पर किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम करने और गैदरिंग पर रोक लगा दी है। 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार और धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में गृह विभाग की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई थी और कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। राज्य सरकार ने भी लोगों को घर पर ही रहकर होली और शबे बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है। नई दिल्ली के एम्स की तर्ज पर राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और ये विस्तार 2 साल के अंतर्गत किया जाएगा। इससे पहले मई के अंतिम सप्ताह में कार्यादेश जारी होंगे। जून के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री कार्य का शिलान्यास करेंगे। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कॉटेज वार्ड की जगह बहुमंजिला आईपीडी टावर एवं गर्ल्स हॉस्टल के पास इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। दरअसल नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पिछले साल 14 सितम्बर को सवाई मानसिंह अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए दौरा किया था। इसी मामले में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सीकर स्थित खाटू श्याम बाबा का लक्खी मेला पूरे परवान पर है।
जिधर देखो बाबा श्याम के दीवाने हाथों में निशान लेकर खाटू धाम पहुंच रहे हैं। खाटू नगरी श्याम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है और श्याम भक्त हाथों में निशान लेकर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तीन बार धारी की जय और बोलो श्याम बाबा की जय के जयकारों के साथ आकाश में गुंजायमान करते हुए खाटू धाम पहुंच रहे हैं। एकादशी के मौके पर श्याम की नगरी में एक अलौकिक आकर्षण का वातावरण है, जहां भक्त अपनी मुराद लेकर पहुंचे हैं। डीडवाना में एक शाम शहीदों के नाम संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संगीत कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति के गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में राजेंद्र पसारी ने मैं कर्मा तू मेरा धर्मा तू, हाफिज पठान ने अब के परस मुझे धरती की रानी, आनंद दादीच ने धरती धोरारी, अभिषेक गौड़ ने महाराणा प्रताप कठे की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री यूनिस खान ने शहीदों को याद करते हुए नमन किया। चलिए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों की। तो लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में 22 पैसे की कटौती कर दी गई है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 97.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 89.60 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में पेट्रोल 8.02 रुपये और डीजल 8.30 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था। इससे पहले लगातार 24 दिनों तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल बाजार के जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल में आई इस गिरावट से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिल सकती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।